मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार हर वर्ग के लिए नई योजनाओं की सौगात दे रही है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की नींव रखने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार महिलाओं, बेटे बेटियों, युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों, किसानों, मजदूरों और वंचितों के हितों और जरूरतों को ध्यान में रखकर नित नई योजनाओं और सरकारी कार्यक्रम लागू कर रही है ताकि कोई भी वर्ग विकास की रोशनी से अछूता ना रह जाए। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की आधी आबादी यानी महिला वर्ग को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने और उनका स्वाभिमान बढ़ाने के लिए लाडली बहना योजना शुरू की। इस योजना के तहत हर महीने की 10 तारीख को लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,000 रुपए जमा हो रहे हैं। इस योजना का लाभ 25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मिल रहा है। दूसरे चरण में बाकी बची महिलाएं अपना पंजीयन करा सकती हैं। इस योजना के तहत धीरे धीरे राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए महीने की जाएगी। इस योजना ने प्रदेश की महिलाओं को नया आत्मविश्वास दिया है। मुझे इस योजना से बहुत बहुत खुशी है। मैं भैया की इतनी हार्दिक शुभकामनाएं करना चाहती हूँ कि मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत खुश इस योजना से, कम से कम मैं इससे आगे पढ़ाई कर सकती हूँ, बच्चे होंगे उनकी फीस भर सकती हूँ, छोटी छोटी दवाई, मोहल्ले से पैसे मांगने पड़ते थे, उसे पैसे नहीं मांगेंगे। वहीं प्रदेश के बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का विस्तार किया गया है। इसके तहत अब बुजुर्गों को हवाई जहाज के माध्यम से तीर्थों की यात्रा कराई जाएगी। इतना ही नहीं, बुजुर्ग महिला या पुरुष अब अपने जीवन साथी के साथ तीर्थ यात्रा कर सकेगा। 2 अगस्त से इस योजना का अगला चरण शुरू हो रहा है। इस योजना के प्रणेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज लाखों बुजुर्गों के श्रवण कुमार बन चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की है। इस योजना में युवा 700 से ज्यादा सेक्टर में अपनी पसंद का रोजगार पाने के लिए पहले निशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही उन्हें 8,000 से 10,000 रुपए का हर महीने स्टाइफंड भी मिलेगा। मुख्यमंत्री का संकल्प है कि हर युवा स्वावलंबी बने, कोई हुनर सीखो और दूसरे को भी रोजगार देने वाला उद्यमी बने। वहीं प्रदेश के गरीब बच्चों को भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एक बड़ी सौगात दी है। हर जिले में अनेकों सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे जहां बच्चों को कॉन्वेंट स्तर की शिक्षा निशुल्क मिलेगी। बच्चों के स्कूल तक आने जाने की व्यवस्था के साथ कई सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। स्कूल चले हम अभियान प्रारंभ हो रहा है। एक सीएम राइज स्कूल अब बनकर तैयार हो गया है साजापुर के गुलाना में। सारे स्कूल के बच्चे आज अपने मामा से जुड़ेंगे। हर एक गांव में, स्कूलों में हमारे आदरणीय सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण वो सब जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल चले हम अभियान के जरिए आम लोगों की भी सहभागिता सुनिश्चित की ताकि वे भी सरकारी स्कूल के बच्चों को शिक्षा के नए आयाम से जोड़ें। इस अभियान में आम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वहां पर इन बच्चों का मजेदार तरीके से ज्ञानवर्धन किया गया। निश्चित तौर पर एक आदर्श सरकार वही है जो समाज के हर वर्ग, हर तबके को साथ लेकर चले और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार निरंतर इसी दिशा में कार्य कर रही है।